नमस्कार दोस्तों, ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 की परीक्षा 22-23 दिसंबर को हुई। परीक्षा होने के साथ परीक्षा विवादों में आ गई। विवाद ऐसा हुआ कि पेपर आउट होना, सॉल्वर पकड़े जाना, लेकिन अभी तक आयोग ने यह स्पष्ट नहीं किया कि पेपर आउट हुआ है कि नहीं। हाँ, सॉल्वर पकड़े गए, नई नई सरगना टीम पकड़ी जा रही, नए नए सरगना पकड़े जा रहे हैं और न्यूज आ रही है, छात्र और परेशान हो रहे हैं, उनके अंदर परेशानी है। जिनका पेपर ठीक हुआ वो भी परेशान है बेचारे, और जिनका नहीं हुआ वो तो परेशान है ही। तो पेपर निरस्त होगा ऐसा तो नहीं लगता। हाँ, निरस्त होने के चांस भी नहीं, आयोग मानने को तैयार नहीं कि पेपर आउट हुआ था, और जब तक हम लोगों के पास कोई सबूत नहीं होगा कोर्ट में भी जाने से कोई फ़ायदा होगा नहीं कि पेपर निरस्त हो। सॉल्वर पकड़े गए, मतलब पकड़े गए, पेपर आउट हुआ या नहीं हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं, इसका कोई वो नहीं और ना ही कोई सबूत है, ना आयोग मानने को तैयार है। इस परिस्थिति में पेपर निरस्त ना ही हो, ये पेपर निरस्त होने के बाद फिर से इतनी बड़ी संख्या में एग्जाम करवाना बहुत टल जाएगा। आयोग भी पहले एक बार नोटिस दे चुका था, पहले अब सूचना दे चुका था कि जिन आवेदनों में 50,000 से ज़्यादा आवेदन होंगे जिन परीक्षाओं में, उनका मेंस करवाया जाएगा। तो आज योगी का बयान आया था कि पारदर्शिता रखी जाएगी, कुछ भी गलत नहीं होगा। माना कि ये वीडियो के परिप्रेक्ष्य में नहीं था, लेकिन उससे यह है कि आयोग पे कुछ सख्ती होगी। आयोग पेपर निरस्त नहीं करेगा, लेकिन आयोग मेंस कराने पे विचार कर सकता है। यदि मेंस होता है तो बहुत बढ़िया, जितने भी ठीक ठाक लड़के हैं उनका मेंस में हो जाएगा, और मेंस में कम बच्चे रहेंगे, एक दो जिले में एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट कराया जाएगा सुरक्षा के साथ, और जो भी सही बच्चे हैं उनको सिलेक्शन मिलेगा। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि आप लोग मेंस का मांग करिए, ना कि पेपर कैंसिल कराने का, और इस वीडियो को शेयर करिए जितना हो।